का मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि कल दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है, उस उपलक्ष्य में जहां पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी अनेक कार्यक्रम आयोजित कर रही है, प्रदेश में भी प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाने का लक्ष्य रखा है और उस दृष्टि से हम विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जिसमें कि कल यानी 17 सितंबर को हमारा युवा मोर्चा पूरे प्रदेश भर में ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित कर रहा है, जहां हम माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस मना रहे हैं, वहीं आज़ादी का अमृत महोत्सव और आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के ऊपर हम देश भर में कार्यक्रम कर रहे हैं और युवा मोर्चा ने लक्ष्य रखा है कि हम 1075 अर्थात 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1075 यूनिट जो हम ब्लड कलेक्ट करेंगे। इसके साथ साथ युवा मोर्चा ने हमारे जो ब्लड ग्रुप की डायरेक्टरी उसको बनाने का भी लक्ष्य रखा है। साथ ही साथ हमारा जो महिला मोर्चा है, महिला मोर्चा कृत्रिम अंग वितरण का कार्य जो है इस दौरान करेगा। 17 सितंबर से लेकर जैसा मैंने कहा कि हम 2 अक्टूबर तक जहां कल ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम करेंगे, वहीं 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर हम जहां उस दिन, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का कार्यक्रम भी है, हर बूथ के ऊपर मन की बात को सुनेंगे और साथ ही साथ हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो उनकी जो फोटो है उसका माल्यार्पण करेंगे, ऐसा भी हमने लक्ष्य रखा है। 2 अक्टूबर का कार्यक्रम माननीय श्री महात्मा गांधी जी की जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर जी की जयंती, उस अवसर पर हम जहां माल्यार्पण का कार्यक्रम करेंगे, वहीं स्वच्छता का कार्यक्रम भी हम करेंगे, जिसमें कि नदियों, हमारे जो जल स्रोत हैं, बावड़ियां और दूसरे पानी के स्रोत हैं, उनकी स्वच्छता का कार्यक्रम हम करेंगे। तो ऐसा करके सेवा पखवाड़ा हमने हिमाचल प्रदेश में मनाने का लक्ष्य रखा है। साथ ही साथ कोविड वैक्सीनेशन को लेकर जो हमारे वैक्सीनेशन सेंटर हैं, उसका वहां विजिट करना और वैक्सीनेशन का जो बूस्टर डोज लगाया जा रहा है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको सहायता प्रदान करना, वैक्सीनेशन को बढ़ावा देना, ताकि हमारा जो बूस्टर डोज भी सभी को लग सके, उसके लिए लोगों को प्रेरित करना, ये भी हमारा लक्ष्य है। टीबी मुक्त भारत अभियान चलाना, ये भी इस दौरान हमने करने का लक्ष्य रखा है। जहां हम इस प्रकार के विभिन्न कार्यक्रम कर रहे हैं, वहीं कल से ही भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में जो केंद्र सरकार की योजनाएं 8.5 वर्ष का जो कार्यकाल पूर्ण हुआ है, या फिर प्रदेश सरकार का जो 4.5 वर्ष का कार्यकाल और जो विभिन्न हमारे विकासात्मक कार्य इस दौरान हुए हैं, और किस प्रकार से हमारी सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण अर्थात गरीब के करीब पहुंचने का प्रयास किया है, उसमें चाहे 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज और 1 दाल देने की बात हो, या कोविड वैक्सीनेशन की हम बात करें, जहां 135 करोड़ लोगों के देश में 220 करोड़ से ज़्यादा डोजेज अभी तक दिए जा चुके हैं, और इस प्रकार के अनेक कार्यक्रम और जो अनेकों योजनाएं पिछले 8.5 वर्षों में केंद्र सरकार के द्वारा चलाकर आम जनता को गरीब कल्याण के लिए और आम जनता के कल्याण के लिए जो काम किए हैं उसको लेकर, और प्रदेश सरकार ने 4.5 वर्षों में जो जन कल्याणकारी योजनाएं इस प्रदेश में लागू की हैं, उन उपलब्धियों को जनता तक, आम जन जन तक पहुंचाने के लिए
68 विधानसभा क्षेत्रों में 68 एलईडी वैन हम उसका शुभारंभ कल करने जा रहे हैं, जिसमें कि शिमला में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी इसको हरी झंडी दिखाएंगे, वहीं मंडी में हमारी जो केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी, इनके साथ हमारे जो शिक्षा मंत्री श्री गोविंद ठाकुर जी और महिला मोर्चा की अध्यक्षा श्रीमती रश्मिधर सूद जी कल 11 बजे, क्योंकि कार्यक्रम कल 11 बजे हमारा 4 स्थानों के ऊपर प्रारंभ होगा। शिमला में जैसे मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी उनके साथ श्री सुरेश भारद्वाज जी इस रथ को हरी झंडी दिखाएंगे। मंडी के रामपुर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी, श्री गोविंद ठाकुर जी और श्रीमती रश्मिधर सूद जी जो हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्षा हैं। हमीरपुर में हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री रहे आदरणीय श्री प्रेम कुमार धूमल जी, हमारे माननीय मंत्री राजेंद्र गर्ग जी और मैं स्वयं हमीरपुर में इस एलईडी वैन को हम हरी झंडी दिखाएंगे, जो गांधी चौक हमीरपुर में हमारा कार्यक्रम होगा। और कांगड़ा के नूरपुर में हमारे जो चुनाव सह प्रभारी श्री देवेंद्र राणा जी, उनके साथ साथ माननीय वन मंत्री श्री राकेश पठानिया जी, हमारे माननीय सांसद श्री किशन कपूर जी और माननीय सांसद सुश्री इंदु गोस्वामी जी इस एलईडी वैन को जो है हरी झंडी दिखाएंगे। तो ये भी हमारा कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस के अवसर पर, जैसा मैंने कहा माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस के अवसर पर जहां हम अनेक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, हमारी पार्टी हमारे सभी मोर्चे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है या दूसरे हमारे मोर्चे हैं, बढ़ चढ़ कर इन कार्यक्रमों का हिस्सा बनेंगे। और जो विभिन्न कार्यक्रम हमने तय किए हैं उसमें सभी का सहयोग होगा। आज इतनी ही बात मुझे आप सबसे करनी थी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जहां तक एलपीजी की बात हम कर रहे हैं, एलपीजी हम जो है विदेशों से आयात करते हैं और हम जानते हैं कि वैश्विक स्तर के ऊपर, चाहे हम एलपीजी की बात करें या हमारे जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं उनकी बात करें, जब वहां पर दाम बढ़ते हैं तो नेचुरली क्योंकि हम विदेशों से आयात करते हैं यहां पर भी उसके दाम बढ़ते हैं। लेकिन मैं याद करवाना चाहूंगा कि कांग्रेस के समय में भी जनवरी 2014 में गैस का सिलेंडर 1241 रुपए का था और जनवरी 2013 में 1021 रुपए का था। उनके समय में भी एलपीजी के दाम यहां तक बढ़े थे, तो उनको अपना समय भी याद करना चाहिए। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने प्रधानमंत्री मोदी जी का, उन्होंने जिस प्रकार से पेट्रोलियम के ऊपर जो है डीजल के ऊपर और पेट्रोल के ऊपर वैट कम करके जहां हिमाचल प्रदेश शासित राज्य हैं वहां लोगों को राहत देने का काम किया, दूसरी ओर जहां पर भी कांग्रेस की सरकारें हैं उन्होंने वहां पर वैट की कमी नहीं की। हमारी सरकार चाहे केंद्र की सरकार है लगातार प्रयास रहते हैं कि हम किस प्रकार से जो है महंगाई के ऊपर काबू कर सकें, क्योंकि महंगाई कोई ऐसा विषय नहीं है जो कि एकदम से बढ़ी है। इनके समय में भी महंगाई थी और मैंने जैसे उदाहरण दिया कि इनके समय में भी गैस के दाम कहाँ पहुंचे थे, तो उनको इस बात को भी समझना चाहिए कि आपके समय में महंगाई थी, महंगाई आज भी है, लेकिन हमारी सरकार प्रयासरत है कि किस प्रकार को हम इसको कंट्रोल में कर सकें।